कितने अच्छे हो। मैं खामखा आप पे शक कर रही थी अरुण। इसलिए? हम लोग प्यार में एक दूसरे से मिले और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। ये जानकर तुम कहीं मुझे छोड़कर चले जाओगे समझकर मैं हमेशा डरती थी, दुखी हो जाती थी, तुम पर शक करती थी। मुझे सब पता है, तुम्हारी जगह पर और कोई भी होती तो यही सोचती, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा। आई एम सॉरी। अरुण, सडनली यहाँ क्यों रुकाया? नेचर कॉल। जैसे कहा था मैंने उस लड़की को मार दिया। डैडी है? हाँ डैडी, अमेरिका वाला रिश्ता हाँ कर दो, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता।
Everything is ready, sir. Good, very good. Welcome, sir. Please come, thank sir. Thank you very much. अब इस आईसीयू पेशेंट को नॉर्मल डोज दिया है। सर, ये मेडिसिन काम करेगा हमें कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन। हमारी मेडिसिन से इसके शरीर के वायरस से लड़ने की प्रोसेस में इसमें संचलन पैदा होती है। उसे पता चलने में कितना टाइम लगेगा? विद इन 10 मिनट्स। कम ऑन। ये था हैवी डोज। इस मेडिसिन को एचआईवी पेशेंट पर काम करने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स टाइम लगता है। तब तक हम यहीं वेट करके पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। लैपटॉप देना जरा। कर रही है। डरने की बात नहीं है। इस दवाई की सारी जानकारी गवर्नमेंट को बताकर जल्द से जल्द तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। चलो चलते हैं। कम ऑन, कम ऑन। ऑफिसर, इट इज ए नॉट ऑर्डिनरी मैटर, इट इज ए प्री प्लान किडनैप। अपना राष्ट्र अपहरण का एक बड़ा घर बनता जा रहा है। इसके बारे में क्या राय है सर? क्रिमिनल को पकड़ने की हमारी कोशिश लगातार जारी है सर। हैदराबाद, मुंबई, आंध्रा, देश के सारे राज्य बच्चों की किडनैपिंग से परेशान हो गए हैं और अब तक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाया है। उस पर एड्स के इलाज की दवाई ढूंढने वाले साइंटिस्ट का किडनैप। आप सब लोग कर क्या रहे हो? लोग डीजीपी सर, तुम चाहे जो कुछ भी करो, कम से कम समय में किडनैपर्स को पकड़ के पुलिस डिपार्टमेंट की नाक बचाओ। डू इट फास्ट। ओके सर। बिजनेसमैन के किडनैप होने से अपना देश बर्बाद हो रहा है सर, और अब तो साइंटिस्ट के किडनैप होने की वजह से देश में हलचल मच रहा है। एनी कमेंट्स? नो कमेंट्स।
ऑफिसर्स, साइंटिस्ट का किडनैप होना एक राज्य का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ कंट्री प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम, सो इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैटर, इट्स अ चैलेंज फॉर आवर डिपार्टमेंट। दिन ब दिन क्राइम बढ़ने के कारण लोगों का पुलिस व्यवस्था पर से भरोसा उठता जा रहा है। हमारी पगार का एक एक रुपया लोगों का दिया हुआ है और उनके जानो माल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हर आधे घंटे में यहाँ पर क्राइम होते रहते हैं, सिर्फ एक महीने के अंदर हमारे राज्य में अब तक 35 बच्चे किडनैप हो चुके हैं। एट द सेम टाइम साइंटिस्ट भी किडनैप हो चुके हैं। कल जनता हमसे सवाल करेगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? पुलिस का मतलब प्रजा का रक्षक, और इसी भरोसे से जनता हमें यहाँ बिठाती है, उसी भरोसे को हमें सच कर दिखाना है। पुलिस जान की रक्षा करती है, डॉक्टर जान बचाता है। वैसे हमारे राज्य के बड़े बड़े डॉक्टर्स किडनैप हो चुके हैं, उन्हें बचाने की सारी जिम्मेदारी हमारी बनती है। देखो हमारी फोर्स में बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर मौजूद हैं, हमने बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, हम सब में वो बात है, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाला ही पुलिस कहलाता है पुलिस, और वही अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करता है। सर पहले एक विशेष टीम बनाकर उनके दिलों में डर पैदा करना होगा सर। करेक्ट सर। स्पेशल टीम की एक लिस्ट बनाइए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। एक इम्पोर्टेंट केस के लिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। साइंटिस्ट की किडनैप की बात तो आप सब जानते ही होंगे। एचआईवी की दवाई पता लगाने वाले वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ना सर? यस। एचआईवी के फॉर्मूले के लिए शायद किसी ने किडनैप किया होगा सर। अब तक की आई रिपोर्ट के मुताबिक दो लोगों पर शक है। वो लोग कौन है सर? इसका नाम खान है।
ये एक डेंजरस किडनैपर है। घर के औरतों को और लड़कियों को किडनैप करके पैसा खींचना इसका पेशा है। इन दिनों मुंबई जेल से फरार होकर वो हमारे राज्य में घूम रहा है, ऐसी खबर हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से पता चली। इसका नाम रंजीत है। खान के साथ इंसान के अंगों को बेचने का काम करता है। इन सब के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, नो डाउट। आपके द्वारा पकड़े गए स्मगलर्स का इंट्रोगेशन रिपोर्ट यह है। साइंटिस्ट के किडनैपर और बच्चों के किडनैपर एक ही है, ये रिपोर्ट से ये बात क्लियर होती है। माय डियर यंग ऑफिसर्स, आपसे ज्यादा आपकी सिंसियरिटी पर मुझे भरोसा है, इसलिए केस मैं आपको दे रहा हूं। बच्चों को और साइंटिस्ट को बचा लो। जिस फॉर्मूले पे हमारा हक है वो हमें मिलना ही चाहिए। वेरी गुड, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों का विश्वास वापस लाना ही होगा। आपके साथ और भी ऑफिसर्स इस मिशन में आपके साथ ज्वाइन होंगे। सो ऑफिसर्स, आप तैयार हो जाइए, ये एक बहुत खतरनाक जंगल है। बी केयरफुल। ओके सर। जरूरी है कि ये ऑपरेशन बेहद सीक्रेट होना चाहिए। इट्स वेरी अर्जेंट सर। चलो ठीक है, जाओ थोड़ा सैर कर लो। हम भी थोड़ा सैर कर लेते हैं। चल लगी हुई है। ओके। अरे क्या हुआ, जंगल को देखकर डर रहा है क्या? मुझे जंगल से बहुत डर लगता है। अरे इतना डर है तो आने का ही क्यों? ऑफिसर की बात माननी चाहिए इसलिए आया। तू बिल्कुल मत डरना, मैं हूँ ना। क्या तुम इस जंगल के बारे में जानते हो? जानना क्या, इस जंगल का कोना कोना चप्पा चप्पा जानता हूँ। आगे आगे देखते जा, मैं तुझे क्या क्या दिखाता हूँ। काम जल्दी जल्दी करो। शांति क्या हुआ, इतनी मायूस क्यों हो? कुछ नहीं मैडम, बिल्कुल। फॉरेस्ट में आने के बाद शांति सचमुच डल हो चुकी है। नो नो, आई एम ऑल राइट। आर यू श्योर? हो गया क्या? हाँ हो गया सर। Sure, I'm okay. Let's move. मिस्टर भरत, ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया सर? इंटरनेशनल लेवल की किडनैपिंग हुई तो सिंपल से लड़कियों को भेजा आपने? क्यों, अपने डिपार्टमेंट में आदमी नहीं है क्या? ये क्या है सर, आप औरतों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? नहीं तो क्या, यहाँ के लोकल गुंडों को और चेन छीनने वालों को पकड़ने से लोग बड़े बन जाते हैं क्या? औरतों को कभी कमजोर मत समझिए सर, क्रिमिनल्स के दिलों में डर पैदा करने वाली किरण बेदी वो भी एक औरत है। खेल जगत में अपने देश के लिए मेडल लाने वाली पीटी उषा, टेनिस जगत की सानिया मिर्जा, ये सभी औरतें हैं। विश्व शांति के लिए दिन रात
तन मन से सेवा करने वाली, भारत रत्न पाने वाली मदर टेरेसा, वो भी एक औरत थी। हमारे भारत देश को उन्नति की ओर ले जाने वाली, काफी लंबे समय तक के लिए प्रधानमंत्री बनी रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो भी एक औरत थी सर। वैसे ही अब हमारे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वो भी एक औरत ही है सर। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली, अंतरिक्ष में भी जाकर पैर रखने वाली, मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाली, उन औरतों को इतना कमजोर मत समझिए सर। इस मिशन पर गई हुई वो औरतें इतनी कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस मिशन को सक्सेस करके साइंटिस्ट और बच्चों को जिस दिन वो वापस ले आएंगी, उसी दिन आपको उन पर नाज होगा सर। ठीक है, वो भरोसा मुझ में है सर।